मेरा नाम बिमला देवी और हम नगर पालिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा अप्रैल माह का ही वेतन नहीं मिला। एक साल से हमें परेशान करा जा रहा है, हमारी माँ बहनें परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, स्कूलों की फीस नहीं जा रही, बिजली के बिल जमा करने जाओ एक महीने में ब्याज लगा लेते हैं, हमारी तनख्वाह 6 महीने हो गए उस पर कोई ब्याज नहीं है। हमारी माँ बहनें इतनी परेशान है कि बिल पर बिल आ रहा है, कह रही हैं कहाँ से दें, बच्चों की पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी, पढ़ाई का राशन वाले राशन नहीं दे रहे, दूध वाले दूध नहीं दे रहे, कहाँ से लाए भाई ये माँ बहन है। और काम करने के लिए मेंबर भी खड़े हो रहे हैं और अधिशासी अधिकारी पूरी पूरी गाड़ियाँ भर के जा रहे हैं। हमने लॉकडाउन में काम करे, हमारी सूरत पर चढ़ चढ़ के जा रहे थे, कोई हमारी तनख्वाह का भी कोई बेचारा, सारी माँ बहनें परेशान है, इतनी परेशान हो रही हैं। दोपहर में जाती हैं, धूपों में काम कर रही हैं, सुबह को उठती है काम कर रही, अगर कोई अगला काम भी कैसे करें। मेंबर अब जो जितने सभासद हुए वो औरतों के लिए परेशान कर रहे हैं, आदमियों को परेशान कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष ही मिले, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो पुराने आदिशासी अधिकारी उनको तो चाहिए, जिन्होंने वायदा करा है काम जनवरी में तुम्हें वेतन दे देंगे सारी माता बहनों के सामने, आज जून आ गई उनको कोई भी वो नहीं, अपने सारे कार्य हो रहे हैं, कोई कार्य उनका नहीं रुक रहा है। और धरना सोमवार से हड़ताल करेंगे, काम बंद करेंगे, सारे सुपरवाइजर होंगे यहाँ पे, हमारी हाजिरी ली जाएगी, बाकी हम काम बंद करेंगे बस। मैं बाबूलाल कौशल, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष, सफाई कर्मचारियों के 2 माह के वेतन को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जब तक हमारा कर्मचारियों का 2 माह का वेतन नहीं बैठेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। नगर पालिका प्रांगण में प्रदर्शन हो रहा है, हमने अनेकों बार पालिका समस्त कर्मचारियों की समस्या को लेकर अधिशासी अधिकारी से मिले, नई अध्यक्ष महोदया को भी बताया हमने, नई अध्यक्ष हमारी सना खानम जी हैं उनको भी हमने अवगत कराया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र आपकी तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, कर्जदार उनको सौदा नहीं दे रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे हैं, सामान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखित हैं, दुखित होकर यहाँ बैठे हैं धरने पर। समस्त कर्मचारी कार्यालय से लेके और सफाई मजदूर तक किसी का वेतन नहीं मिला है, तीसरा महीना शुरू हो गया है वेतन नहीं दिया गया। 850 कर्मचारियों की मांग है कि जब तक समस्त कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा ये धरना समाप्त नहीं होगा, और धरना के बाद हड़ताल भी कार्य भी बंद करने की रणनीति तैयार की गई है कि अगर ये नहीं देंगे तो सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, सारा कार्य सफाई कार्य बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा। हमारे अधिशासी अधिकारी से मांग है कि अगर 2 माह का वेतन नहीं दिया गया तो हम नगर पालिका का सफाई कार्य